मोहम्मद जावेद पारेख, आज मौजूद हूँ मैं नादरा जहाँ FHRD फर्द की चेयरपर्सन। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा जहाँ साहब, आज आपको कैसा लग रहा है? यहाँ एक बच्चों का इवेंट हुआ है शाफेसर कोरंगी जोन के अंदर, कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के इवेंट होने चाहिए क्योंकि जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में इस तरह के इवेंट शामिल है और फर्द की कोलैबोरेशन के साथ DMC कोरंगी ने जहाँ 10 स्कूल्स के अंदर, जिसमें सिंध गवर्नमेंट के और लोकल गवर्नमेंट के स्कूल शामिल हैं, आर्चरी का जो है सिलसिला शुरू करवाया है, क्योंकि आर्चरी इन पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए नया है और हमने एफर्ट किए है, एक इंटरनेशनल कोच यहाँ पर हायर करके दिया है जिसके थ्रू हमने इनका पार्टिसिपेशन कराया है सिंध लेवल पर भी आर्चरी के इवेंट्स के अंदर, और ये इवेंट्स भी सिंध लेवल के इवेंट के बाद जो है दूसरी कड़ी है। हम चाहते हैं कि आर्चरी में ये बच्चे स्ट्रेंथन हो और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। मुझे खुशी है कि यहाँ पर तकरीबन 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें DMC के स्कूल से और सिंध गवर्नमेंट के स्कूल शामिल हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगी यहाँ के शाफेसर जोन के डिप्टी डायरेक्टर खुर्शीद आलम साहब का, जिनकी एफर्ट से और ये सारी तैयारी, ये सारा मैदान उन्होंने सजाया और बेशक हम लोगों ने कोलैबोरेट किया कोलैबोरेटिव एफर्ट से, लेकिन बींगा डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया वो काबिले तारीफ़ है और हम चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और इन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को जो है मौके दिया जाए, इनमें कोऑर्डिनेशन स्किल्स आए, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वो इन बच्चों को लीड कराते हैं इनकी डेवलपमेंट की तरह, और हम यही चाहते हैं कि हमें मुस्तकबिल में अच्छे लीडर मिलें, अच्छे माशरे की तश्कील करने वाली यूथ हमें मिले। बहुत शुक्रिया। नादरा जहाँ साहब, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने कोरंगी जोन और लांडी जोन के DMC KMC के स्कूल के हवाले से बच्चे जो 90 बच्चे आप बता रही है, इनके साथ कैसा कोऑपरेट रहा है, यहाँ के जो वजीर तालीम है इनके साथ क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी सिंध गवर्नमेंट का, नॉट ओनली वजीर तालीम, हमारे स्टेट के जितने भी इदारे हैं, जिसमें हमारे जितने भी पॉलिटिकल विंग हैं और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है जिसमें हमारे CM साहब भी हैं और अदर स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, क्योंकि डायरेक्टली लिंक जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, तो हम चाहेंगे कि स्कूल चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हों, बच्चे जो हैं हमारे हैं और इन बच्चों के ऊपर अगर हमने तवज्जो दे दी, क्योंकि ये वही हलका है जो हमारी लेबर क्लास पॉपुलेशन है उनका है, तो उनके बच्चे जब यहाँ पर आके पढ़ते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मज़दूर जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, अगर वो ना हो तो मैं नहीं समझती कि हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। तरक्की कोई पॉलिटिशनों के ज़रिए नहीं होती है, तरक्की जो होती है मज़दूर के ज़रिए होती है, नीचे से ऊपर आते हैं। अगर हम अपनी कौम को बनाना चाहते हैं तो हमने आने वाले दिनों में इन मज़दूरों की औलादों को, जो कि 90% पे पॉपुलेशन पे मुश्तमल है, उनको हमें आगे बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नादरा साहब। अब ये शेर खान साहब हैं, ये हमारे लियारी कराची के रिहायशी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रेसलर हैं, कराची में इनका एक नाम है बड़े रेसलरों में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिया, नेपाल और अमेरिका में ये गोल्ड मेडल हासिल करके आए हैं, और आज मैं जो मौजूद हूँ FRHD फर्द के हवाले से नादरा जहाँ सागर साहिबा, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और मैं शेर खान साहब से सवाल करूँगा कि आया कि आपको यहाँ पर कराची के अंदर, सिंध के अंदर कोई सपोर्ट मिली सिंध हुकूमत की तरफ से, आया कि किसी ने आपको एयरपोर्ट पर जब आप आए आपके साथ किसी ने कोई कोऑपरेट किया या कोई इस्तकबाल किया या क्या हो रहा है, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दी गई, इसके हवाले से शेर खान साहब आप बताएगा, आपने मेरा सवाल सुन लिया है, क्या हुआ आपके साथ, आपके साथ क्या है, कैसा मसला है सिंध हुकूमत का, आप जब पाकिस्तान तशरीफ लाई गोल्ड मेडल जीत के आपका इस्तकबाल क्या हुआ, आपको किसने इनवाइट किया, कोई सैलरी, कोई जॉब, कोई मामला, कोई सिलसिले ऐसे हुए आपके साथ?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेर खान है और मैं एशियन चैम्पियन हूँ। रिसेंटली नेपाल से एशियन चैम्पियनशिप जीत कर आया हूँ और चूँकि मैं गुज़िश्ता 2-6 ईयर से प्रोफेशनल रेसलर हूँ और आज 2 बार नेपाल की सरजमीन में पाकिस्तान का परचम रेस करके मैंने साबित कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा जो भी मैं आज हूँ वो हमारे बड़े काबिल मोहतरम और मरहूम जनाब जो हैं वो मोहम्मद अरशद साहब की तरफ से, जिन्होंने मुझे बहुत पुश दिया और ग्रास रूट से आज मैं जिस कदमों पर खड़ा हूँ उन्हीं की बदौलत, और ये अल्लाह का करम है, वालदेन की दुआएँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आज इवेंट जिस तरह आज इसका जो इवेंट हुआ है, खुर्शीद साहब ने जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको चाहिए इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ के इवेंट्स करते रहें और ये बच्चे जो आज छोटे हैं आज किसी ना किसी को अपना आइडल बनाएंगे और कल बड़े होकर वो भी कोई ना कोई एक स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई बॉक्सिंग, कोई क्रिकेटर, कोई आज बड़े अपने नाम करे, फ्यूचर में कामयाब करे और अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करते रहें और अल्लाह को मोर गिव्स मोर फ्यूचर इन हिज लाइफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जरा शेर खान भाई ये बताइएगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ 20-25 दिन हुए, ताहा अली भी एक रेसलर, छोटे रेसलर माशाल्लाह, वो एक प्रोग्राम करके इंडिया से और अपना नेपाल से वो भी गोल्ड मेडल लेके आए, उनका भी बड़े यानी परेशानी में, और किसी वजीर ने, किसी सिंध हुकूमत ने, किसी स्पोर्ट्स के वजीर ने उनसे कोऑपरेट नहीं किया, आया कि यही सिलसिला आपके साथ भी है। देखिए बात यह है कि सिलसिले तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। देखिए बात यह है कि हुकूमत की तरफ से तो अभी रिसेंटली सपोर्ट आना शुरू हुआ है, चूँकि मैं सिंध स्पोर्ट्स की तरफ से गया था जिसमें अरबाब लुफुल्ला ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एशियन चैम्पियनशिप जीत गया, सेकेंड टाइम जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ब्रिगेडियर अल्ताफ़ साहब की तरफ से गया जो कि सिंध रेंजर्स के कोर कमांडर ब्रिगेडियर है, और मेरा हमेशा से साथ गुलाम मोहम्मद साहब कमिश्नर कराची, इसके अलावा मोहम्मद अरशद, मोहम्मद जो है वो सलीम खमीसानी, आसिफ भाई और जित हमारे एजाज साहब जो हैं वो हमारे हमेशा साथ रहे, इवन के मेरे वालिद साहब खुद फुटबॉलर थे, उन्होंने भी 3 साल से मेरे साथ ही सपोर्ट, हम टीम का हिस्सा हैं और इसी तरह मुल्क के लिए इस स्पोर्ट्स को कंटिन्यूसली आगे लेकर जा रहे हैं। और जो कि तला अली है वो माशाल्लाह उसने बड़ी मेहनत की है और नेपाल के रेसलर, इंडियन रेसलर से टाइटल लिया और मेरे साथ ही नेपाल में थे और हम इंटरनेशनली खेले और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर में, और हम जो है इंशाल्लाह ताला इस रेसलिंग को सिर्फ नेपाल के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। एक नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कैसी आप, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी जरा अभी बताएगा, माशाल्लाह सुबह असेंबली में है अभी, आपका नाम क्या है? सुबह असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपका कौन सा होता है? माशाल्लाह आप बच्चों के प्रोग्राम में आई है, आप यहाँ पे क्या महसूस कर रही है, क्या एहसास हो रहा है आपको? जी मैं पीपल्स पार्टी में सीनियर रहनुमा हूँ और काफ़ी काम कर चुकी हूँ मैं पीपल्स पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप मुझे ज़रूर असेंबली में देखेंगे। यहाँ का जो ये माहौल में देख के बड़ा खुशी हो रही है कि डायरेक्टर एजुकेशन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करवाया है बच्चों का, और इस तरह के जो है इवेंट होने चाहिए बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए गेम्स ज़रूरी है बहुत, और आपका जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन अपनी जगह, लेकिन सम टाइम ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए गेम्स के। आज यहाँ माशाल्लाह देखें कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को प्राइवेट स्कूल के नहीं है, और इतना अच्छा बच्चों ने एहतमाम किया है, और यहाँ पर माशाल्लाह सुबह असेंबली के मेम्बरान आप समेत मोहम्मद हुसैन साहब भी है, कुछ मेहमान गेस्ट भी आए हुए हैं, नादरा सागर साहब भी आई हुई है यहाँ पे, यानी बच्चे बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है, तो आप बच्चों को, यहाँ के बच्चों को, एजुकेशन को, सिंध को, हमारे बच्चे के, सिंध के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे जेर तालीम है, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये इसी तरह तरक्की करें, हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा सूबा? हाँ जी बिल्कुल, हम तो बहुत चाहते हैं कि हमारे सारे पाकिस्तान के बच्चे एजुकेशन हासिल करें और हायर एजुकेशन हासिल करें, और इनको हम बहुत अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं, और जो भी सरकारी स्कूल है मैं उनको उन लेवल पे देखना चाहती हूँ जहाँ जो है वो प्राइवेट स्कूल जिस तरह होते हैं, तो मेरी यही ख्वाहिश है इंशाल्लाह कभी भी मौका मिला मुझे एजुकेशन मिनिस्ट्री का या आने का एजुकेशन में कहीं भी एजेस होने का, तो इंशाल्लाह मैं इन बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं इनका मैं चाहूँगी लेवल वही हो जो एक प्राइवेट स्कूल में जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ना कि फ़र्क होना चाहिए किसी भी चीज़ में। साहब पिछले साल इसी जगह मैं आया था खुर्शीद आलम साहब के दावत के ऊपर, नाजरा साहिबा की दावत के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूलों का मैंने जाके विजिट भी किया था, कोर्स भी तकसीम किए थे, नाजरा साहिबा ने, ये आपके साथी बेटी है, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी काविश है इनकी,
और इनको भी जरा खराजी तहसीन पेश करें। और इन्होंने जितनी गवर्नमेंट स्कूल के लिए काम किया है इधर, ये किसी की समझ आंखों से दूर नहीं है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत अच्छी जो है इन्होंने एफर्ट्स हैं। डायरेक्टर एजुकेशन को हम सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं इस इवेंट का, उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है और बच्चों को जो है वो एक बहुत अच्छा माहौल दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इसी तरह इम्प्रूवमेंट आएगी अगर हम इस तरह के इवेंट करते रहे, वो गेम्स के हों, वो एजुकेशन के हों, वो जो है मतलब किसी भी लेवल पे हम बच्चों को आगे देखना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान के बच्चों को। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। नाज़रीन, ये मोहम्मद हुसैन भाई हमारे पाकिस्तान MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद कोई इनको ना जानता हो सियासी हवाले से, और आज ये बच्चों के इवेंट में यहाँ मौजूद हैं और बड़ी खुशी हुई हमें भी कि ये गवर्नमेंट स्कूल आई एजुकेशन के हवाले से यहाँ से कुछ आपसे सवाल करते हैं और ये आप देखते हैं ये आपको क्या जवाब देते हैं। मोहम्मद हुसैन भाई, क्या महसूस कर रहे हैं ये माशाल्लाह बच्चे यहाँ पर अपना इवेंट कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त इवेंट है, कैसा लग रहा है आप? देखें, जब तालीमी इदारों में को किसी भी किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, नातिया प्रोग्राम हो या डिबेट कंपटीशन हो, किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, तो यार हमें ख़ुद अपना बचपन याद आ जाता है। हमने भी बड़ा स्पोर्ट्स खेला है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर, और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पर मौजूद जो बच्चे इस आज चिल्ड्रन डे के मौके पर जो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर और उनके टैलेंट को देखकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ कि आजकल के दौर में कि जब पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी DMC के जो ये बल्दियाती स्कूल हैं, इनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और स्पोर्ट्स डायरेक्टर, इन सब ने जो ये आज का इवेंट अरेंज किया है, ये ना सिर्फ खुशी का बाइस है बल्कि मैं इनको शाबाश भी पेश करता हूँ कि ये कोरंगी में इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और इस किस्म के जो इवेंट्स हैं ये मुतवातिर होते रहने चाहिए। मोहम्मद हुसैन भाई, 2021 के अंदर मैं खुद यहाँ पर विजिट पे आया था, खुर्शीद आलम साहब और नादरा जहाँ ने मुझे बुलाया था, स्कूलों के अंदर कोर्स की तकसीम थी, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के स्कूल के थे 5वीं क्लास तक के कोर्स, वो तकसीम किए थे 5 स्कूलों का हमने विजिट किया था। स्कूलों की हालत बड़ी नासाज थी, बच्चों की हालत बड़ी नासाज थी, तो आप ये वजीर तालीम सिंध से क्या कहना चाहेंगे, शायद आपकी आवाज़ सुन लें, अगर हमारी नहीं सुनता आपकी सुन लें, कि स्कूलों की तरफ भी थोड़ा शाह फैसल कोरंगी की तरफ देखा जाए, तवज्जो दी जाए। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। तालीमी इदारे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं पूरे सिंध के तबाहाली का शिकार हैं, और फिर उसके साथ साथ ये जो बल्दियात के जो तालीमी इदारे हैं इनकी भी वही हालत है कि कहीं बिल्डिंग मुनासिब नहीं है, ख़तरे की अलामत है, और अगर कहीं बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में है तो असातज़ा की कमी है, अगर कहीं असातज़ा हैं तो स्कूल में फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो साइंस लैब होती है वो नहीं है, कहीं लाइब्रेरी नहीं है, तो ये इतनी नागुफ्तबा हालत में हमारे बच्चे पढ़ने पर मजबूर हैं और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जाती है कि तालीम वो शोबा है मुआशरे का, सबसे अहम शोबा के जिसके ज़रिए हमारी नस्लें बनती हैं, हमारे लोग तरक्की पाते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं, सबसे अहम शोबा है, और यही शोबा हुकूमत सिंध की तवज्जा ना होने की वजह से, तब फंडिंग नहीं है, मुनासिब पढ़े लिखे लोगों को टीचर नहीं लगाया जा रहा, अगर टीचर हैं उन्हें सहूलियात नहीं है, तो बस ये बहुत बुरी हालत। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन भाई, मैं तो दरख्वास्त ये करूँगा वजीर तालीम सिंध से कि पूरे सिंध के स्कूलों की जो हालत है वो नासाज है, वो बहुत ख़तरनाक नासाज है, इस पर तवज्जो दी जाए,
इन बच्चों की तरफ, इनके बच्चों की रहनुमाई की जाए, इनके कोर्सों का, इनके यूनिफॉर्म का, इनके स्कूल का, इनके छतों का, ये जो स्कूल के ना वाशरूम ना बाथरूम कोई चीज़ नहीं है, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए बराए मेहरबानी। मैं फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर-ए-तालीम से, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपको। मोहम्मद जावेद पारेख, पाकिस्तान 29 न्यूज़ ब्यूरो चीफ़।